हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप अगर किया सेल्टोस लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज आपकी इस वीडियो में मैं आपके कुछ ऐसे डाउट्स क्लियर करूंगा जो जरूरी है मुझे लगता है बताना एज ए सेल्टोस ओनर। ठीक है, मैंने गाड़ी खरीदी है तो कोई जरूरी नहीं है कि गाड़ी एकदम परफेक्ट ही हो, तो आज मैं आपके इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा। भैया ऐसा तो है नहीं गाड़ी खरीद ली और मैं केवल अच्छा अच्छा ही बोलूं, तो भैया अगर गाड़ी में कुछ कमी है तो वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप 12-14 लाख से लेकर 19-20 लाख रुपए तक अगर अपनी गाड़ी में लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए भाई कि गाड़ी में आपको क्या अच्छा मिलेगा और गाड़ी में आपको क्या खराब मिलेगा, जिससे आप डिसाइड कर पाए कि आपको ये कार खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत अगर करी जाए तो सबसे पहले बात है इसका जो सस्पेंशन है ना, वो बहुत ही हार्ड साइड में है। तो अगर आप इसको सिटी ड्राइव के लिए ज़्यादा खरीद रहे हैं, मतलब अगर आप सिटी में ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो इसका जो सस्पेंशन है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसे में आप दूसरी गाड़ियों के सस्पेंशन से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही हार्ड है और दूसरी गाड़ियों के सस्पेंशन सॉफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो और दूसरी बात यह है कि जब इसमें आप फुल लोड कैपेसिटी में आप इसको चलाते हैं तो इसका जो सस्पेंशन है वो नीचे थोड़ा सा दब जाता है, जिससे कि आपका ये समझ लो कि दब जाता है, मतलब ठीक है, तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन में कम हो जाती है। तो ये था पॉइंट नंबर 2, सस्पेंशन दब जाता है। पॉइंट नंबर 1, सस्पेंशन हार्ड साइड में है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सिटी ट्रैफिक में, लेकिन वही सस्पेंशन जो हार्ड है अगर आप हाईवेज वगैरह पर ड्राइव कर रहे हैं तो वो उस सिनेरियो में बॉडी रोल कम से कम प्रेजेंट करता है, जिससे आप गाड़ी अच्छे से बिना बॉडी रोल के चला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके सेकंड नेगेटिव पॉइंट की। तो अगर इसका सेकंड नेगेटिव पॉइंट देखा जाए तो इसकी जो ना सीट में से काफ़ी आवाज़ आती है। ठीक है, ये को पैसेंजर सीट और जो पीछे पार्सल ट्रे है ना, उसमें से बहुत आवाज़ आती है, घड़घड़ 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 घड़घड़। एग्जाम्पल तो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता, चला के चेक करूँगा, अगर रिकॉर्ड कर पाया तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसमें ना सीट में से नॉइज़ आती है, पीछे वाली सीटों का भी सेम हाल है, पीछे वाली सीटों में से नहीं आती है। बेसिकली आपके जो पीछे पार्सल ट्रे है ना, ये धड़ 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 करती है, तो इसका भैया भाई ये जुगाड़ करना पड़ता है पार्सल ट्रे में, पीछे जाके यहाँ पे ना सपोर्ट इसको दे दो, तो यहाँ पे कुछ कुशन उशन लगा देते हैं, तो यहाँ पे इससे आपकी जो सस्पेंशन की नॉइज़ है, सॉरी कह रहा हूँ, जो पार्सल ट्रे की नॉइज़ है वो कम हो जाती है और आपको पार्सल ट्रे की नॉइज से तो इजात मिल जाता है, लेकिन वही है सीट की नॉइज़ इसमें आपको फिर भी देखने को मिलेगी। तो सीट की नॉइज़ करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम टाइट करवा लेते हैं। सर्विसिंग में जाते हैं तो सीटों का जा रहे नट बोल्ट बोलते हैं भैया ठीक से टाइट कर दो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपका नॉइज़ कम हो जाता है, लेकिन फिर भी एकदम ख़त्म नहीं होता, भड़बड़ भड़बड़ आवाज़ तो आती है। तीसरा जो आवाज़ आती है ना, वो आपकी आती है सन ग्लास होल्डर से। ठीक है, तो आपका ये जो सन ग्लास होल्डर ना, ये भी पूरा भड़बड़ भड़बड़ बजता है, ये भी अगर आप गड्ढे उड्ढे में पड़ रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपको नॉइस झेलनी पड़ती है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि एकदम फुल प्रूफ साइलेंट केबिन हो तो ये हाईवे पे चलाओ, आपको साइलेंट केबिन मिलेगा, लेकिन यह सिटी ट्रैफिक में तो हर जगह से इसमें आवाज़ आती है। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सब कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए थे, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब ये मेरा है एनिवर्सरी एडिशन HTX वेरिएंट, आप बोल सकते हैं HTX वेरिएंट में आपको LED लैंप्स मिलते हैं, आपके देख सकते हैं ये ट्रायो, ये चार वाले LED लैंप्स हैं, इसमें LED सेटअप है और नीचे आप फॉग लैंप्स भी देख सकते हैं, लेकिन इनका जो नाइट टाइम में अगर आप ड्राइव करेंगे ना तो इनका थ्रो बिल्कुल बेकार है। हाई बीम पे आप चलाएंगे तो वो सही नहीं है सामने वाले के लिए भी, आप लो बीम पे चलाएंगे तो आपको इसको अंधेरे में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और मोर एवर अगर बारिश का सीज़न है तो इसकी जो विजिबिलिटी है ना बिल्कुल बेकार हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन में फिर भैया डर ही लगता है। तो मैं बारिश वारिश में लॉन्ग ड्राइव पे इससे ज़्यादा नहीं निकलता हूँ। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इसको ना चेंज नहीं कराया जा सकता है, बताते हैं कि यह सेटअप का अभी पूरा तोड़ नहीं आया है, चेंज नहीं कराया जा सकता है, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो थोड़ा अगर हाईवे में बारिश वारिश के मौसम में रात में ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कार स्लो स्पीड में चलाता हूँ मैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की। जो इसका नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, वो है आपका ये पावर विंडो। पोजीशनिंग सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो आपका यही केवल इल्यूमिनेटेड है, बाकी सब भैया अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं है, अंदाजे से हाथ लगाना पड़ता है इन स्विचेस की तरफ, लाइट जलानी पड़ती है केबिन की, उसके बाद जाके कहीं आपका ये वाला काम हो पाता है। तो ये बहुत बुरा, मतलब क्या है, छोटा सा है, इसमें दे सकते थे यार, कोई बड़ी बात तो नहीं है, इल्यूमिनेटेड देते, रेडियम का कुछ लगा देते, यहाँ पर कलर वालर तो कम से कम लात में चमकता तो सही, लेकिन आपका केवल ड्राइवर साइड वाला ही इल्यूमिनेटेड है, बाकी उसी से आपको गाइडेंस लेते हुए सारे जो कि हैं विंडोज़ रोल और रोल अप और रोल डाउन करनी पड़ती हैं गाइस।
चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की। ठीक है, 17 लाख की गाड़ी है, 16.5 था घर आते आते 17 लाख पड़ गई। लेकिन इसमें अब आप, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अब इसमें दे रखा है इन्होंने ना परफ्यूम डिस्पेंसर, ये देखो परफ्यूम डिस्पेंसर दे रखा है, लेकिन इसको ना ही लगाएं, मैंने आज तक इसको अब यूज़ ही नहीं किया। मैं इसके चक्कर में ना दूसरा परफ्यूम डिस्पेंसर ले रखा है, बाहर से मैंने खरीद रखा है। आप देखो, ये मैंने बाहर से परफ्यूम डिस्पेंसर खरीद रखा है, और ये वाला जो परफ्यूम डिस्पेंसर गाड़ी के साथ आता है ये एकदम बेकार है, बिल्कुल आपके काम का नहीं है। तो अगर परफ्यूम के लिए आप कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें साथ में परफ्यूम डिस्पेंसर भी आता है, ना ही कंसीडर करो तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका परफ्यूम डिस्पेंसर एकदम बेकार है। हाँ, एयर प्यूरीफायर ठीक है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा खासा कम कर देता है, लेकिन परफ्यूम डिस्पेंसर एकदम बेकार आपका इसमें देखने को मिलता है गाइस। चलो एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं ना इस गाड़ी में बम्पर लिप दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो बम्पर लिप दिया हुआ है, लेकिन आए घर ढलान उलान पे ना लगता रहता है, इसकी वजह से ना आपका जो अप्रोच एंगल है वो और ज़्यादा कम हो गया है, इसकी वजह से गाड़ी ना लगती रहती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ना दें तो भी दिक्कत है, लेकिन ये इतना नीचे तक दे दिया है कि इसकी वजह से ना कई बार मेरी गाड़ी जो है ढलान पे आते टाइम पे, आप देख सकते होंगे ढलान पे आते टाइम पे कई बार ये टच होती है, लेकिन ठीक है ये बचा भी लेता है, लेकिन कल को खड़ी जाएगा, ये तो ज़्यादा रगड़ा गया तो खड़ी जाएगा, लेकिन ठीक है चलो ये पॉइंट कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट, चलो मैं कैमरा घुमा लेता हूँ अपनी तरफ, और सबसे लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, सेफ्टी रेटिंग 3 स्टार मिले हैं इसको ग्लोबल एनकैप में, अगर ये 4 स्टार तक भी चली जाए तो गाड़ी बहुत अच्छी है, वर्थ है। सस्पेंशन थोड़ा सा अच्छा कर दिया जाए, लाइट की थ्रो है जो थोड़ी सी अच्छी कर दी जाए, सीटों में से नॉइज रिड्यूस कर दी जाए, ठीक है सनग्लास होल्डर में से नॉइज रिड्यूस कर दी जाए, तो ये गाड़ी परफेक्ट है। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, एफिशिएंसी फ्यूल एवरेज वगैरह आराम से सिटी में मेरे को 12.5 का देती है, और हाईवे पे 17 से लेकर 21 तक का देती है, अगर हाईवे पे हैं और एक्सप्रेस वे पे हैं तो वही आसपास 19-20 के आसपास टच हो जाता है। तो कुल मिला के ये सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स थे ये मैंने आपको बता दिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने, कोई अगर सवाल हो तो आपके मन में बिल्कुल आप उनसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।